हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर ब्रिक पार्ट टू, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ईंटों को बनाना, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब जो हम ईंटों को बनाते हैं उसमें चार क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। पहली क्रिया में क्या करते हैं कि ऐसी मिट्टी को प्राप्त करना जो ईंटों के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, फिर दूसरी प्रक्रिया में हम उसको सांचे में डालते हैं, फिर तीसरी प्रक्रिया में उसको सुखाते हैं, और बाद में हम उसको भट्टी में जला करके बाद में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ईंट बन जाती है। तो इस प्रकार से हम ईंटों को बनाते हैं। ठीक है, मुख्यतः निम्न चार क्रियाएं क्रमबद्ध रूप से दी जाती है। तो सबसे पहले जो इसमें ईंटों को बनाने की जो क्रिया होती है, मिट्टी प्राप्त होने वाली स्थान का चुनाव करना, ऐसी जगह का चुनाव करना जहाँ पर मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाएंगे और वहाँ पे मिट्टी निकालना शुरू कर देंगे और ईंटें बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ जो मिट्टी के गुण होते हैं ईंटें बनाने में, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि ईंटें में कौन कौन सा होता है, एल्यूमिना होता है, बालू होती है, किस किस मात्रा में होनी चाहिए, लाइम होता है। ठीक है, ये सब उसी मात्रा में अगर हमें मिल रही है कहीं पे ईंटें वो मिट्टी, तो हम वहाँ पे उसको उसका स्थान का चुनाव कर लेंगे। अगर वो सारी चीज़ें उसी मात्रा में नहीं मिल रही तो फिर हम वहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो इसी प्रकार से जो सबसे पहली क्रिया है वो मिट्टी प्राप्त होने वाले स्थान का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही सही नहीं होगा तो हमारी ईंटें सही नहीं बन पाएंगी। ठीक है, अब इसमें करते क्या क्या है। मिट्टी खोदे जाने वाले स्थान पर 15 से 20 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढे में से मिट्टी निकाल कर 1 से 3 दिन तक खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसमें पानी डाल करके इसको गूंथा जाता है। अब ये गूंथा कैसे जा सकता है, ये पशुओं के द्वारा गूंथा जा सकता है, ठीक है, या मनुष्यों के पैरों के द्वारा भी इसको गूंथा जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मतलब जो मिट्टी को हम गूंथते हैं वो पशुओं के पैरों के द्वारा या मनुष्य के पैरों के द्वारा गूंथा जाता है। ठीक है, अब अगर ये आजकल क्या है ना, ये तो पहले का है, पशुओं को और मनुष्यों के द्वारा पैरों से गूंथना। आजकल क्या है, मिट्टी को गूंथने के लिए एक मशीन आती है जिसे हम बोलते हैं पग मिल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, पग मिल, PUGML, पग मिल बोलते हैं। ठीक है, तो इस मिट्टी में डाल करके हम गूंथ लेते हैं मिट्टी को, तो ये एग्ज़ाम में बहुत बहुत बार आ चुका है। तो कुछ स्थानों पर मिट्टी को पग मिलों में डाल करके गूंथा जाता है, तो एक मशीन है ये। ठीक है, उस मशीन में डाल देंगे मिट्टी और वो उसको रेडी करके गूंथ करके उसको हमें दे देंगे। ठीक है, अब जब ये मिट्टी गूंथ जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी को सांचे में डालते हैं। ठीक है, ईंटों को डालना जिसको बोलते हैं मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। देखो, मोल्ड का मतलब होता है सांचा और मोल्डिंग का मतलब ढालना। ठीक है, तो ईंटों को डालना, तो अब ये मिट्टी कहाँ से लेंगे हम, पग मिल से जो तैयार हुई मिट्टी है उसको लेंगे। ठीक है, पग मिल से तैयार की गई मिट्टी को ईंटों को आकार देने के लिए लोहे या लकड़ी के विशेष सांचे, जिसको मोल्ड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, सांचा, जो सांचा होगा, मोल्ड बॉक्स होगा, वो या तो लकड़ी का होगा, ठीक है, लकड़ी का होगा या लोहे का होगा, इनका आकार ईंटों के आकार पर निर्भर होता है। अब कितनी बड़ी साइज़ की ईंटें बना रहे हो तो उस हिसाब से हम उसको रखते हैं। अब जो मोल्ड बॉक्स का साइज होता है वो होता है 21 × 10 × 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो ये मोल्ड बॉक्स का साइज़ है। ठीक है, हम जो भी मोल्ड बॉक्स लेंगे वो जो हमारी एक्चुअल ईंट होती है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखते हैं। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में, स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ईंटों का आकार स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। इसको हम स्टैंडर्ड साइज़ को मॉडुलर साइज़ भी बोलते हैं, मॉडुलर मॉडुलर साइज़। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, अगर कहीं पे स्टैंडर्ड साइज़ आ रहा है लिखा हुआ है तो आपको उसको ये मानना है कि ये मॉडुलर ब्रिक साइज़ के बारे में पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज़ और मॉडुलर ब्रिक साइज़ एक ही चीज़ है। ठीक है, ईंटों का आकार कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज़ वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो ये पहला पॉइंट पार्ट है ये लंबाई है,
दूसरा पार्ट है चौड़ाई ईंट का और तीसरा पार्ट है ऊंचाई। अब जैसे हमारी ये ईंट है इस तरह से, अगर मैं छोटी सी इस तरह से बनाऊँ ईंट, तो ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, आकार की ईंटों के निर्माण के लिए सांचे का आकार कितना रहना चाहिए, मैंने अभी बताया था अभी तुम्हें, 21 × 10 × 10, ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये तो हमने बना लेंगे मतलब इसको इतने का कर। अब इसमें फ्रॉक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक बोर्ड को हम क्या करते हैं, जो हमारा सांचा होता है उसके नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर फिर मिट्टी भर देते हैं, तो उसमें जो सांचे का फ्रॉक का निशान आ जाता है उसमें। तो फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक बताया था मैंने, बना ऐसे अगर है हमारा कोई ब्रिक है ये इस तरीके, सॉरी इसको यहाँ बनाता हूँ, अगर ये ब्रिक है हमारी इस तरह से, तो यहाँ पर जो बीच में वो जिस पर नाम वाम लिखा रहता है उसको बोलते हैं फ्रॉक। ठीक है, फ्रॉक। अब इस फ्रॉक को बनाने के लिए स्टॉक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फ्रॉक बनाने के लिए लकड़ी के स्टॉक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सांचे में मिट्टी डालने से पहले स्टॉक बोर्ड को सांचे के नीचे रखा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वो फिर उसमें वो छप जाते हैं ईंट पे। अब जब हमने मिट्टी को तो सांचे में डाल लिया, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। ईंटों को सुखाना या ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ईंटों को ढालने के बाद कुछ दिनों तक जब ईंट उठाने के लायक हो जाती है, तो ईंटों को ढेरों को चट्टे में कहते हैं, मतलब जो ईंटों का जो चट्टा लगा रहता है, जैसे ऐसे ऐसे ईंटें रख देते हैं हम सुखाने के लिए, है ना, तो उसको हम चट्टा बोलते हैं, इसको हम स्टेक बोलते हैं। इन चट्टों की लंबाई जो होती है वो 3 मीटर की रखते हैं और चौड़ाई कितनी रखती है, ईंटों की दुगनी लंबाई के बराबर चौड़े होते हैं। जो ये स्टेक होते हैं, इन चट्टों 3 मीटर लंबे और ईंटों की दुगनी लंबाई के बराबर चौड़े होते हैं। ये चट्टे का मतलब आपको इस तरह से समझवाना चाहिए कि अगर वो 3 मीटर लंबे हैं, ठीक है, चट्टे, तो उनकी जो चौड़ाई रखे गए हैं वो हम किसकी लंबाई के 3 गुना, लंबाई के दुगनी रखते थे। तो स्टेक इस तरह स्टेकों में हम ईंटों को सुखाते हैं। ठीक है, अब जब ईंटें सूख जाती है उसके बाद क्या करते हैं, ईंटों को हम पकाते हैं, ईंटों को पकाना, जिसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अभी किस में पकाते हैं, भट्टे में। भट्टे किसको बोलते हैं, किल्स को, या क्लैंप। क्लैंप भी इस तरह के होते हैं, इसमें क्लैंप छोटे होते हैं। ठीक है, उसमें भी हम ईंटों को पकाते हैं। खुली हवा में ईंटों को सुखाने के पश्चात ईंटों को पजाबे, जिसको क्लैंप क्लैंप बोला जा रहा है, या भट्टे में पकाया जाता है। ठीक है, तो जो भट्टे होते हैं उसको किल्न्स बोलते हैं, किल्न्स, KILNS। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बर्निंग ऑफ, इसमें बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको किस में पकाते हैं, भट्टे में। भट्टे को इंग्लिश में ये बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा निर्धारित ईंटों का भार व नाप, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब भारतीय मानक संस्थानों ने ईंटों का कुछ साइज़ निर्धारित किया हुआ है, उस साइज़ को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड साइज़, या उसी को हम मॉडुलर साइज़, जो भी मैंने ऊपर बताया था, ये एक ही चीज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ या मॉडुलर साइज़। कितना होना चाहिए, 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। अब ये बताया था ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है। तो ये भारतीय मानक संस्थानों के निर्देशानुसार जो स्टैंडर्ड साइज़ या मॉडुलर साइज़ बनाया गया वो इतना होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि जो ईंट होती है, एक ईंट का भार लगभग कितना होता है, एक ईंट का भार लगभग 3 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए। और एक ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आगे, इन ईंटों से अगर 1 घन मीटर की चिनाई करने के लिए कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 घन मीटर की हम कोई दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें पड़ती है 500 ईंटों की ज़रूरत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पॉइंट आता है कि 1 घन मीटर चिनाई करने के लिए 500
ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नॉमिनल साइज़ पे। अभी आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड साइज़, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है या मॉडुलर साइज़ क्या होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अब आ गया नॉमिनल साइज़ ब्रिक का। ब्रिक का नॉमिनल साइज़ हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। अभी एक एक सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, 19 से 9 से 9, ये ठीक है। अब नॉमिनल साइज़ क्या होता है और स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, पहले मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। स्टैंडर्ड साइज़ एक ईंट का जो साइज़ है उसको हम नॉर्मल, अगर कहीं पे ईंट रखी हुई है उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ कहलाएंगे वो सिंपल ये होगा, ठीक है। अगर उस ईंट को हम चिनाई में इस्तेमाल कर लें तो उस चिनाई में इस्तेमाल करने पर उसका साइज़ इतना माना जाएगा, जबकि होगा साइज़ उसका इतना ही, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ होगा इतना ही, लेकिन चिनाई में जब वो इस्तेमाल हो जाती है उसका साइज़ हम मानेंगे कितना, वो इतना मानेंगे, 20 × 10 × 10। अब इसी को नॉमिनल साइज़ बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल साइज़ क्या है, चिनाई में उपयोग किए जाने के बाद ईंट का साइज़ इतना माना जाता है। अब ये कैसे माना जाएगा, अब देखो क्या होता है, जब हम ईंट चिनाई में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बीच में प्लास्तर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस तरह से, फिर ईंट रखेंगे, फिर प्लास्तर रखेंगे, फिर यहाँ पे ईंट रख देंगे, फिर ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे प्लास्तर रखेंगे, फिर एक इसके ऊपर ईंट रख देंगे, ठीक है, फिर प्लास्तर रखेंगे, फिर ईंट रख देंगे। अब क्या कर रहे हैं इसमें, देखो प्लास्तर भी आ रहा है, मतलब जो पहले है यहाँ पे लंबाई 19 थी, अगर हम यहाँ तक इसको मान लें तो ये फिर पूरी 20 हो जाएगी, ठीक है। अब ये पहले 9 था, यहाँ बीच में प्लास्तर आ गया है, तो प्लास्तर का साइज़ भी हम इसी के साइज़ में जोड़ देंगे, जो 9 साइज़ था वो भी, वो 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक ईंट का नॉमिनल साइज़ 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर मापते हैं, जब चिनाई में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम जो प्लास्तर लगा रहे हैं उसका साइज़ भी एक ईंट के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से उस ईंट का साइज़ जो माना जाएगा नॉमिनल साइज़ होगा वो 20 × 10 × 10 कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अच्छे से बार बार देख के सुन लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट खोखली ब्रिक्स पे, हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स कैसी होती है, हॉलो ब्रिक्स के अंदर छेद होता है, ठीक है, वो खोखली होती है अंदर से। वो ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, जहाँ पर कि हमें पार्टीशन वॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये एक चीज़ है, ये नमी रोधक होती है, ध्वनि रोधक भी होती है, क्योंकि खोखले बीच में हवा है तो वो एक नमी रोधक भी है, ठीक है। ठंड भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो बीच में हवा होने की वजह से एक वैक्यूम की तरह एक्ट करेगा, जबकि वैक्यूम होता नहीं लेकिन एक्ट उसी की तरह करता है, तो जिससे कि जो बाहर की ठंड है वो अंदर भी नहीं आती है, ठीक है। तो हॉलो ब्रिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल है। ऐसी ईंटें जिनके बीच में गोल या आयताकार या वर्गाकार सुराख बनाकर उनका भार कम किया जाता है, उनको हम खोखले ब्रिक कहते हैं। इन ईंटों का प्रयोग विभाजक दीवारें या पार्टीशन वॉल्स या ध्वनि रोधक या नमी रोधक रद्दों में किया जाता है। अब नमी रोधक मतलब जहाँ पे नमी को रोकना है हमें, ध्वनि रोधक मतलब जहाँ पे ध्वनि को हमें रोकना है, ठीक है। और विभाजक दीवारें क्या होती है, विभाजक दीवारें होती है कि एक बड़ा सा हॉल है घर में, उसमें बड़े से हॉल में हमें 2 कमरे बना देने हैं, बाद पहले हमने बना लिया था मकान और उसमें एक बड़ा सा हॉल बन गया, मान लो कमरे नहीं है कुछ भी, हॉल है बस। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक 2 कमरे बन जाए, तो 2 कमरे बनाने के लिए हम बीच में एक दीवार खड़ी कर देंगे, बाद में उस दीवार को हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन वॉल बोलेंगे। उस पार्टीशन वॉल का एक काम ये भी होता है कि वो कोई भी वजन नहीं उठाती, क्योंकि बाद में बनाई गई है, एक बात ध्यान रख लेना, क्योंकि जब छत हम डालते हैं तो वो तो कॉलम्स पे आ जाएगी ना, या बीम बीम पे वजन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो पूरा बन चुका है उसके बाद हम एक बाद में एक विभाजक दीवार खड़ी कर दे रहे हैं तो उस पर उस छत का वजन नहीं आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सी दीवार वजन नहीं उठाती है। देखो अगर हम घर में कोई भी वजन दीवार बनाते हैं साइड में, आपने देखा होगा उस पर लगभग आपका जो छत होती है वो टिकी रहती है, वो इसका मतलब वजन उठा रही है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसी दीवार बना दे बीच में
सिर्फ वो विभाजन करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम पार्टीशन वॉल कहते हैं। दीवार वजन 8 होती है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में। अब इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती है, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब एक और होती है ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, जिसको हम पारंपरिक साइज बोलते हैं। अभी देखो क्या हो, जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर ईंट को, वो ज़्यादातर हमारी ईंट पारंपरिक होती है। आपने देखा होगा 9 इंच की दीवार जिसको बोलते हैं, 9 इंच की ईंट, है ना, तो वो जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादातर पारंपरिक ही होता है, जिसको ट्रेडिशनल साइज़ बोलते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है, ट्रेडिशनल साइज़ ब्रिक का साइज़ होता है, 9 इंच की लंबाई होती है, 4.5 इंच की इसकी चौड़ाई होती है, और 3 इंच की इसकी ऊंचाई होती है। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 23 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 11.4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, और 7.6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। आज का तुम्हारा एक होमवर्क है, इसमें चेक करना जो आपके घर के आसपास जो भी कोई एक ईंट उठा के लाना, और उस ईंट में उसकी लंबाई चेक करना, ठीक है। वो ज़्यादातर आपको इसी पोर्शन में निकलेगी, ट्रेडिशनल साइज़। अगर इस साइज़ में नहीं निकल रही तो फिर आपको स्टैंडर्ड साइज़ होगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो ब्रिक का चैप्टर था, ये आपका ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब इसी चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ लेंगे, रूफिंग टाइल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको खपरेल बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे, खपरेल, इसको रूफिंग टाइल बोलते हैं। आपने देखा हो, बहुत जगह देखा होगा कि छतों, जो टेढ़ी छतें होती है, उस पर लगभग हम टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको खपरेल बोलते हैं, ठीक है। छत ढकने के लिए प्रयोग की जाने वाली टाइलें खपरेल कहलाती हैं। हमारे देश में मुख्यतः निम्नलिखित टाइलों का उपयोग किया जाता है। अब एक टाइल है देसी खपरेल, एक है इलाहाबादी, एक है पेंटाइल, एक है मंगलोर टाइल, और एक है रिज टाइल, और एक है फर्सी टाइल। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइल्स हैं, ये सारी की सारी छतों में इस्तेमाल की जाती है। और ये पेविंग टाइल्स कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम फर्श पे इस्तेमाल करते हैं, जो फर्श पे टाइल्स इस्तेमाल करते हैं वो फर्शी टाइल कहलाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक सारी छतों में इस्तेमाल करते हैं, छतों के ऊपर, जो मंगलोर टाइल ज़्यादातर कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, इलाहाबादी, मंगलोर, रिज टाइल वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर छतें कुछ इस प्रकार की हो। तो यहाँ पर जो टाइल इस्तेमाल करते हैं इस तरह से जो रखी होगी, वो देखी होगी आपने, वो रिज टाइल होती है, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि ये टाइल्स का चैप्टर में आप इस टाइल्स को चेक करेंगे, कौन कौन सी कैसी दिखती है, ये आपको देखना है, ठीक है। बुक्स में देख लो या फिर आप इंटरनेट में चेक कर लेना, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो अब इसी चैप्टर में एक और थोड़ा सा आ जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में आता है, ठीक है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या आता है, टेराकोटा का निर्माण ईंटों व टाइलों की तरह ही किया जाता है। यह एक नरम भांड जिसको अर्दनवेयर बोलते हैं, अर्दनवेयर मतलब मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो सब अर्दनवेयर में आते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा एक कुछ, जैसे आपने वो देखे होंगे, घड़ा देखा होगा, है ना, और हांडी देखी होगी, वो सब किस में आते हैं, अर्दनवेयर में आते हैं। अर्दनवेयर जिसको इंग्लिश में मैं इस तरह से लिख दूंगा, ERTHERN, अर्दनवेयर, जिसको हम नरम भांड बोलते हैं। और दूसरा होता है दृढ़ भांड, जिसको हम स्टोनवेयर बोलते हैं, स्टोनवेयर। इसका उपयोग, अभी देखो नरम भांड का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जो टेराकोटा खम्भों, वार्निशों आदि में सुंदरता के लिए किया जाता है। अंत में अतः इनको 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम में भट्टों में पकाया जाता है, ठीक है। नरम भांड व दृढ़ भांड, यह एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बने पदार्थ हैं। इसमें मिली जुली मिट्टी, बालू, चीनी मिट्टी आदि पदार्थ मिलाकर पीसा जाता है। नरम भांड व दृढ़ भांड की अपेक्षा कर, जो नरम भांड होती है वो स्टोनवेयर भांड की जो मतलब अपेक्षाकृत उसको कम टेम्परेचर पर पकाया जाता है, ठीक है। और ये जो स्टोनवेयर है, स्टोनवेयर से कम मजबूत होते हैं अर्दनवेयर वाले बर्तन, बर्तन हो या कुछ भी प्रोडक्ट हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, अर्दनवेयर को अगर सिंपलीफाई में कर दूँ, अर्दनवेयर ज़्यादातर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, खाने पकाने की चीज़ों में, जैसे बर्तन हो गया, हांडी हो गया, दही बनाने के लिए कटोरे बनाते हैं, वो सब अर्दनवेयर में आते हैं। और जो स्टोनवेयर में कहाँ क्या क्या आता है, स्टोनवेयर में आपने देखा होगा जो सीवर में टाइल्स वो पाइप आते हैं, ठीक है, पत्थर जैसे टाइल पाइप आते हैं, या जो
जो टॉयलेट सीट होती है वो स्टोनवेयर की बनी होती है, ठीक है। ये जो भी हम सीवर में पाइपलाइन हो गई या सीवर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो ज़्यादातर स्टोनवेयर के बनते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, अर्दनवेयर खाना वाले पकाने की जो वस्तुएं हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टोनवेयर है वो हम सीवर पाइपलाइन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये बस छोटा सा इसमें एक हुआ है एग्जाम्पल। अब जो स्टोनवेयर होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं से कुछ लेप चढ़ाते हैं जिससे कि वो पोरस नहीं होते। पोरस मतलब वो उसमें पानी पास नहीं हो सकता। अर्दनवेयर क्या होता है, पोरस होते हैं। पोरस मतलब उसके अंदर अगर पानी रखोगे वो भाप की तरह उड़ भी सकता है और धीरे धीरे वो लीक भी हो सकता है, हल्का हल्का सा। आपने देखा होगा घड़ा अगर हम ढक दे तो वो उसके बाहर पानी ही आ जाता है ना, बाहर वो वापसीकृत होता रहता है। मतलब कि पोरस है उसका मटेरियल, मतलब उसमें पानी निकल रहा है धीरे धीरे। तो ये सब किस में आते हैं, अर्दनवेयर। अर्दनवेयर जो होता है वो स्टोनवेयर से कमज़ोर होता है, और अर्दनवेयर जो होता है वो कम टेम्परेचर पकाया जाता है जबकि स्टोनवेयर ज़्यादा टेम्परेचर पकाया जाता है, ठीक है। दृढ़ भांड का उपयोग सीवर पाइप में चिनाई के रूप में किया जाता है, जैसे कि भी मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। स्टोनवेयर बनाने वाली मिट्टी में 75% बालू और 25% एलुमिना होती है। ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसमें इम्पोर्टेंट है। अब कहीं कहीं पे आपको ये 76 भी आ सकता है और 24 भी आ सकता है परसेंट में, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप अगर वहाँ पे 76% लिखा हुआ और कहीं पे 24% लिखा है तो आप उसको ये टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ मात्रा में आयरन ऑक्साइड भी मिलाया था स्टोनवेयर में, ठीक है। तो ये हमारा हमारा जो आज का चैप्टर था बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें हम ब्रिक पढ़ा हमने, फिर हमने टेराकोटा पढ़ा, फिर हमने थोड़ा सा रूफिंग टाइल्स पढ़ा। रूफिंग टाइल थोड़ा चैप्टर ज़्यादा बड़ा है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में फिर भी मैंने आपको बता दिया कि देखने में कैसे कैसे होता है, ये आप बुक्स में देखोगे या इंटरनेट पर। अब मैं इस थोड़े से जो ब्रिक चैप्टर हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है पग मिल। पग मिल क्या आता है, इस मशीन में मिट्टी को गूंथा जाता है ईंट बनाने के लिए, ठीक है। मोल्ड बॉक्स कहता है, लकड़ी का सांचा हो सकता है या ये लोहे का सांचा भी हो सकता है, ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड साइज और मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक कितना होना चाहिए, इतना। नॉमिनल साइज क्या होता है, इतना होना चाहिए। मोल्ड का साइज कितना होता है, जो सांचे का साइज होता है वो इतना होना चाहिए। एक ईंट का भार कितना होना चाहिए, वो 3 से 3.5 kg होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है, 1 घन मीटर चिनाई करने के लिए 500 ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, पारंपरिक साइज कितना होता है, 30 × 11.4 cm × 7.6 cm, इंच में कितना होगा, 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच। तो ये एक इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैंने आपको बीच में लास्ट में समराइज़ कर दिया। बाकी हमारा बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।